बिहार बार काउंसिल के चुनाव में अब जो भी खड़ा होंगे नामांकन करवाएंगे उनको 30,000 रुपया लगेगा, क्या कहेंगे? अभी तो जो कल हम लोगों को न्यूज आया है, जो भी अधिवक्ता बिहार बार काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे उनको नॉमिनेशन के तौर पर 30,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ बहुत ही मार्मिक एक विषय को उठाया है, और दूसरा मैं शुभकामना आपको देता हूं कि आप मेरे बाढ़ के रहने वाले युवा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको मदद करे। और आप चूँकि चौथा स्तंभ है समाज के, आपका काम है कि समाज में एक जागृति लाना और जो सच्चाई है उसको दिखाना, और हम शुभकामना देते हैं कि आप दिन रात तरक्की करें और बाढ़ ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन करें। गोविंद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 30,000 रुपया बढ़ोतरी किया गया है मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे अधिवक्ता भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही अपनी आर्थिक परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं, और वो इस मैंने स्थिति में नहीं है कि 30,000 रुपया देकर अपना नॉमिनेशन करवाएं। तो ऐसे अधिवक्ता जो योग्य हैं और कुछ करना चाहते हैं आम अधिवक्ता के लिए, लेकिन उनके पास 30,000 रुपया नहीं है जिसके चलते वो नॉमिनेशन नहीं करेंगे और वो अपनी हमारी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, तो उनके साथ ये जो 30,000 रुपया का डेडलाइन दिया गया है ये गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने मैंने नेताओं को कि ये जो 30,000 रुपया का रकम आपने फिक्स किया है इसको कम किया जाए, जितना पहले था उसको उतना ही रखा जाए, ताकि हमारे जैसे पूरे प्रदेश में जो अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ताओं को कुछ करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि अभी जो लोग जीत कर जाते हैं और अधिवक्ताओं के हित की काम नहीं करते हैं, वो केवल अपने हित की बातें करते हैं। आपको पता होगा कि एक हम लोगों के संघ के सदस्य बार काउंसिल सदस्य फातिमा जी ने अधिवक्ताओं की आवाज़ को उठाया, लेकिन उनके मैंने उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। पहले कितना था बिहार बार काउंसिल में नामांकन कराने का शुल्क? एक्यूरेट तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि 5,000 रुपया पहले था। पहले 5,000 जी, तो उसको लगातार इतना ज्यादा कर दिया गया क्यों? कहीं कोई और इसमें कुछ लोग का एजेंडा रहा क्या? नहीं नहीं, एक तो सही बात है आपका कहना कि इसमें एक ऐसा टीम है काम करता है जो चाहता है कि लोकल बार से जीत कर लोग नहीं आए, और उन्हीं के लिए एक ऐसा रकम फिक्स कर दिया गया है कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। आपका प्रस्तुत? मेरा नाम राणा मुरारी प्रसाद सिंह अधिवक्ता है, मैं बाढ़ अधिवक्ता संघ का सदस्य हूँ। बिहार बार काउंसिल का नामांकन होना है जिसके लिए पहले जो शुल्क था उससे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। ये बिहार बार काउंसिल का चुनाव हर 5 वर्ष में कराया जाता है, और ये चुनाव में जो अभी वर्तमान में नामांकन शुल्क रखा गया है उसको 30,000 रुपये के लगभग निर्धारित करने की घोषणा की गई है। ये दुर्भाग्य, इससे वैसे अधिवक्ता इस चुनाव से वंचित रह जाएंगे जो कुछ करना चाहते हैं बाढ़ के लिए, अधिवक्ताओं के लिए उनके हित में कार्य करना चाहते हैं, वो सब वंचित रह जाएंगे। इसलिए नॉमिनेशन की राशि एक अस्थायी रूप से एक न्यूनतम राशि होनी चाहिए जिसमें जिस पर लोग नामांकन दाखिल कर चुना जा सके और लोगों की बात को रखे चुने जाने के बाद। ये सब को इग्नोर करके और इतना भारी रकम नामांकन रखा जाना ये अधिवक्ताओं के लिए दुर्भाग्य। आपका परिचय क्या? हमारा परिचय मुकेश कुमार सिंह, मैं यहाँ 1996 से अधिवक्ता हैं बाढ़ अधिवक्ता संघ।